द एड्रेस, और इसका राइटर है मरगा मिनको। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दिस स्टोरी इज अ प्यूनेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। तो ये स्टोरी जो है वो एक काफ़ी सैडफुल, प्यूनेंट मतलब होता है सैड, मार्मिक, एक दुख भरा अकाउंट है एक डॉटर का, और वो डॉटर मरगा मिनको ही है। वो डॉटर इन जाती है अपने माँ के जो सामान है उसको खोजने के लिए जाती है आफ्टर द वॉर। यहाँ पे वॉर मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हॉलैंड में अपना माँ का सामान को लेने के लिए जाती है। हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर जो था वो काफ़ी अत्याचार कर रहा था ज्यूज लोग के ऊपर पे, और ये नरेटर और उनकी माँ क्या थे, ज्यूज थे, तो इसलिए उनको हॉलैंड छोड़ के भागना पड़ा था उस समय। तो और भागते समय वो लोग अपना सामान कहीं छोड़ दिए थे। तो आज वो नरेटर जो है मरगा मिनको, वो क्या कर रही है, अपनी माँ का जो सामान है वो उसको लेने के लिए जा रही है। तो कैसे लेने जाती है उसी का सैडफुल स्टोरी है ये। व्हेन सी फाइंड्स देम, और जब उनको ये सामान मिलता है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक्स मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। तो ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो इनके अंदर पहले का जो जीवन का जो यादें हैं वो ताज़ा कर देती है। इवोक्स मतलब होता है अराउज, यादें ताज़ा कर देती है उनके मन में। हाउएवर सी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजोल्व्स टू मूव ऑन। लेकिन वो क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि इन सब सामान को छोड़ देना है, एंड डिसाइड्स टू रिजोल्व टू मूव ऑन। रिजोल्व का मतलब होता है डिसाइड, और डिसाइड करती है कि ये सब सामान को छोड़कर हम जिंदगी में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये था ब्रीफ इंट्रो। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं डिटेल में, कैसे क्या होता है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। तो नरेटर जो है मरगा मिनको, वो जाती है और किसी के घर पर जाती है और बोलती है कि क्या आप मुझे अभी भी पहचानती हैं। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। तो वो जो दूसरी तरफ जो औरत थी वो मुझे देखती है और काफ़ी सर्चिंगली, कुछ ढूंढते हुए ऐसे रूप में देखती है वो मुझे। सी हैड ओपन द डोर अ चिंक, चिंक मतलब काफ़ी थोड़ा सा ही वो दरवाजे को खोली थी। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। तो मैं एक नरेटर जो है वो थोड़ा उनके पास गई और जाके सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। तो वो जो वुमेन है वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसिस एस डॉटर, मैं मिसिस एस की बेटी हूँ, नरेटर बोलती है। तो ये आप याद रखिएगा, नरेटर की माँ का नाम क्या है, मिसिस एस। और यहाँ पर जो वो वोमेन है उस वोमेन का भी नाम हमें पता चलेगा आगे स्टोरी में, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं उस वोमेन का नाम है मिसिस डॉर्लिंग, आगे स्टोरी में भी आएगा। तो चलिए वहीं देखते हैं। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। तो वो जो औरत थी मिसिस डॉर्लिंग, वो क्या कि वो दरवाजे पर इस तरीके से हाथ रखी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वो प्रिवेंट कर रही है और उसको खुलने नहीं देना चाहती थी। मतलब वो चाहती नहीं थी कि दरवाज़ा और खुले और कोई अंदर आ जाए या फिर कोई अंदर देख ले। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। और उस वुमेन के चेहरे से लग रहा था कि वो एकदम ही मुझे नहीं पहचानी है। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। और वो मुझे देखी जा रही थी, चुपचाप से देखी जा रही थी। और उस वुमेन का नाम क्या है, मिसिस डॉर्लिंग। और नरेटर की माँ का नाम क्या है, मिसिस एस। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। तो नरेटर सोचती है कि हो सकता है मुझसे गलती हो गई है। आई थॉट परहैप्स इट इजेंट हर, मुझे लगा कि वो नहीं है जो मैं सोच के आई हूँ, मतलब वो मिसिस डॉर्लिंग नहीं है, उनको लगा। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली। तो लेखक बोलती हैं कि मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बार देखा था, वो भी फ्लीटिंगली। फ्लीटिंगली मतलब फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, काफ़ी कम समय के लिए देखा था, तो हो सकता है मैं चेहरा भूल गई हूँ। एंड डैट वॉज ईयर्स अगो, और वो भी कई सालों पहले देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल डैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। तो ये काफ़ी ज़्यादा चांस था कि मैंने गलत घर का घंटी बजा दिया है। द वोमेन लेट गो ऑफ द डोर। तो वो वोमेन जो है, मिसिस डॉर्लिंग जो है, वो क्या करती है, दरवाजे को छोड़ देती है हाथों से, एंड स्टेप टू द साइड, और आके साइड में खड़ी हो जाती है। सी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। तो जब वो वोमेन जो है, मिसिस डॉर्लिंग, वो दरवाज़ा को छोड़ देती है, तो उनका जो हरे रंग का जो कार्डिगन मतलब स्वेटर होता है जिसमें आगे खुला हुआ होता है, मतलब आगे में बटन्स होता है, और नीटेड मतलब हाथ से बुना गया था वो। तो नेटर देखती है कि उसका जो, उनकी जो माँ है मिसिस एस, उन्होंने वो स्वेटर बनाया था, और वही स्वेटर वो मिसिस डॉर्लिंग अभी पहनी हुई थी। तो नेटर का नज़र उस पर पड़ता है। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और उस कार्डिगन का जो बटन सब है वो वुडन का था, वो धोते धोते पेल हो गया था, येलोइश हो गया था। सी सॉ डैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। तो वो मिसिस डॉर्लिंग देखती है कि वो नरेटर जो है वो उनका स्वेटर को ही देख रही है, तो वो क्या करती है, एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। वो फिर से जाके दरवाजे के पीछे छिप जाती है, आधी छिप जाती है।
बट आई न्यू नाउ डैट आई वॉज राइट. लेकिन अब लेखक समझ जाती है कि लेखिका समझ जाती है कि मैं सही घर पे आई हूँ, मेरा एड्रेस सही है. वेल यू नो माई मदर आई आक्स. तो नाइटर अब बोलती है कि अच्छा तो आप मेरी माँ को जानती है इसका मतलब. हैव यू कम बैक सेड द वुमन. तो वुमन भी अब बोलती है कि अच्छा आप, वुमन भी पहचान गई, बोलती है कि तुम आ गई. आई थॉट डैट नो वन हैड कम बैक. मुझे तो लगा कोई नहीं आया. ओनली मी. तो नाइटर बोलती है कि नहीं सिर्फ मैं ही आई हूँ और कोई नहीं आया. आपको पता हो रहा है कि ये लोग क्या किए थे पहले. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो ये लोग हॉलैंड छोड़ के भाग गए थे और अभी वापस आए हुए हैं. सिर्फ नाइटर आई हुई है उनकी माँ का सामान लेने के लिए. तो वही यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग बोलती है कि तुम आ गए. तो बोलती है नहीं सबको ही आ गए क्या. तो नाइटर बोलते हैं कि नहीं सिर्फ मैं आई हूँ. अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर. तो लेखिका देखती है कि पीछे एक पैसेज है गलियारी में, एक दरवाज़ा खुलता है और फिर बंद होता है. अ मस्टी स्मेल इमर्ज. और वहाँ से एक मस्टी स्मेल आता है. मस्टी स्मेल मतलब बहुत ही बुरा बदबू आता है. मस्टी स्मेल कब आता है, जब कोई आपका मान लीजिए रूम है और उसमें बहुत दिन से फ्रेश एयर अगर अंदर नहीं जाए और वो रूम थोड़ा डैम्प हो, भीगा भीगा हो, तो वैसा जो स्मेल आता है उसको बोलते हैं मस्टी स्मेल. आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. तो मिसेस डॉर्लिंग बोलती है कि मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई और कुछ नहीं कर पाऊँगी. आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन. तो नरेटर बोलती है कि मैं यहाँ पर खासकर से ट्रेन से आई हुई हूँ. आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट. मैं आपसे एक कुछ देर के लिए बात करना चाहती हूँ. इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन. तो वुमेन बोलती है कि नहीं ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, सुविधाजनक नहीं है अभी. आई कॉन्ट सी यू अनदर टाइम. देखिए अभी हम तुमसे नहीं मिल सकते हैं, तुम कोई दूसरा समय में आओ. सी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब. तो वो इतना करके अपना सिर हिलाती है और बोलती और धीरे से दरवाजे को बंद कर देती है. ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजे को धीरे से क्यों बंद करती है, क्योंकि वो घर में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ही सावधानी से दरवाजे को बंद करती है. आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप. तो लेखिका जहाँ पर खड़ी थी वो वहीं पर खड़ी रही और दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया मिसिस डॉर्लिंग ने. द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड. और बे विंडो कैसा होता है आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे. बे विंडो खिड़की बाहर का तरफ लिखला होता है. तो उस बे विंडो में एक क्या लगा था, कर्टन पर्दा लगा हुआ था. वो पर्दा हल्का सा हिला. समवन स्टेयर्ड एट मी. और कोई पर्दा को साइड करके मुझे थोड़ा देखा, लेखिका को किसी ने देखा. एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड. और हो सकता है कि उस इंसान ने मिसेस डॉर्लिंग से पूछा होगा अंदर में कि मुझे क्या चाहिए था. ओ नथिंग द वुमेन वुड हैव सेड. और ये वुमेन ने क्या बोला होगा उसको, कुछ नहीं चाहिए था इन्हें. इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था वो. तो लेखिका ऐसा सोचती है कि अंदर में ऐसा हुआ होगा. आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन. तो लेखिका राइटर फिर से उस नेम प्लेट को देखती है और डॉर्लिंग इट सेड. तो अब आ गया वहाँ पे नाम डॉर्लिंग. तो उसमें लिखा हुआ था डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में लिखा गया था, ऑन वाइट इनेमल, और वाइट पेंट पे लिखा गया था डॉर्लिंग ब्लैक से. ऑन द जैम्ब. जैम्ब क्या होता है, मान लीजिए दरवाज़ा है तो दरवाजा के चारों तरफ क्या होता है, लकड़ी का लगा होता है ना फ्रेम, तो उस फ्रेम को बोलते हैं जैम्ब. तो उस जैम्ब पे थोड़ा ऊंचे में क्या लगा हुआ था नंबर, और उस जैम्ब में लिखा हुआ था नंबर 46. एज आई वॉक स्लोली, मतलब ये एड्रेस आपको याद रखना है, नंबर 46 है और नाम लिखा हुआ है डॉर्लिंग और रूम नंबर, हाउस नंबर था 46. एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर. तो अब राइटर क्या हो रही है, अब वापस लौट के आ रही है. और वो जब जैसे जैसे लौट रही है वैसे वैसे वो अपनी माँ के बारे में सोचती है. हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो. जिन्होंने नरेटर को ये एड्रेस दिया था कई सालों पहले. इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड वॉर. और ये एड्रेस उन्होंने कब दिया था, जब वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में. वर्ल्ड वॉर कब से कब चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता होगा, बिटवीन 1939 एंड 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था. तो उसका फर्स्ट हाफ में उन्होंने ये एड्रेस बताया था नरेटर को. आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज. तो मैं कुछ दिनों के लिए घर आई हुई थी. तो लेखिका फ्लैशबैक बताती है कि क्या हुआ था उस दिन. तो लेखिका भी क्या कर रही है, स्टेशन की तरफ जा रही है और जाते जाते ये सब बात को सोच रही है. और सोचते सोचते हम लोग को बता रही है कि लेखिका कुछ दिन के लिए घर आई हुई थी. एंड इट स्ट्रक मी इमिडिएटली डेट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड. और लेखिका जब रूम घर में आके देखती है तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स. लेखिका को लगता है कि कुछ सामान मिसिंग है घर में से. माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली. और मेरी मम्मी जो थी
अब बोलिए इसका मम्मी का नाम क्या था, नरेटर का मम्मी का नाम मिसिस एस। तो वो मिसिस एस जो थी वो काफ़ी सरप्राइज हो गई कि कैसे इतना जल्दी नरेटर नोटिस कर ली कि कुछ सामान मिसिंग है। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, तब उन्होंने मुझे बताया मिसिस डॉर्लिंग के बारे में, जो हाउस नंबर कितना में रहती है, नंबर 46। ये सब आपको याद करते जाना है। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मेरी माँ की दूर की कोई जान पहचान की रिश्तेदार है, होम सी हैडेंट सीन फॉर ईयर्स, जिनसे मेरी माँ ने कई सालों से नहीं मिला था। सी हैड सडनली टर्नड अप, और वो अचानक से आ गई थी मिसिस डॉर्लिंग एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और फिर से उनका कॉन्टैक्ट वापस से चालू हो गया। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, और तब से वो हमारे घर में लगातार आ रही थी, रेगुलरली आ रही थी। एवरी टाइम सी लीव्स हियर सी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माई मदर। तो मेरी मम्मी मुझे बताती है कि हर बार जब वो यहाँ से जाती है तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ अपने घर लेके जाती है। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वो तो एक बार में क्या की जितने भी टेबल मतलब डाइनिंग टेबल पर जितने भी सिल्वर के जो बर्तन उर्तन थे वो सब एक बार में ले गई वो। एंड देन द एंटिक्स प्लेट्स डैट हंग देयर, और उसके बाद जो वो वॉल पे जो यूनिक प्लेट सब जो टंगा हुआ था वो भी वो ले गई। फिर सी हैड ट्रबल्ड लगिंग दोज लार्ज वेसेस, और एक बार तो क्या हुआ कि उन्हें काफ़ी मुश्किल हुआ लगिंग मतलब होता है कैरी करने में, क्या कैरी करने में, दोज लार्ज वेसेस, फुलदानी जो था वहाँ पर बड़ा बड़ा, उसको कैरी करने में उनको काफ़ी दिक्कत हुआ मिसिस डॉर्लिंग को। एंड आई एम वरीड सी गॉट अ क्रिक इन हर बैग, और मुझे टेंशन हुआ कि उनके जो कमर में क्या आ गई क्रिक मतलब अकरन सी आ गई उनके कमर में फ्रॉम द कॉकरी को उठाने से। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, तो मेरी मम्मी जो थी वो काफ़ी दुख में अपना सिर हिलाती है कि सिंपैथेटिकली मतलब पिटिंग मतलब काफ़ी दया के भाव से वो अपना सिर हिलाती है। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, तो मेरे में तो हिम्मत ही नहीं था उनसे ये बोलने का कि वो मेरे सब सामान को ले जाए। क्यों ले जाए, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है, अगर ये लोग ऐसे ही छोड़ के चलेंगे तो सामान तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को सौंप के जाएंगे और बाद में कभी लौट के आएंगे, जैसे कि अभी नरेटर आई हुई है अपना सामान को लेने के लिए, तो वही उनका मम्मी भी सोची थी कि कभी ना कभी सामान लेके जाएंगे, बर्बाद नहीं होगा सामान, तो वही बोल रही है कि आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मुझे तो हिम्मत ही नहीं था कि कभी हम उनसे ये बात बोल पाए कि आप मेरा सामान आप रख लीजिए। सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने खुद मुझे ये बात बताया था कि आपका सब सामान हम रख लेते हैं, उन्होंने किसने, मिसिस डॉर्लिंग ने। सी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि वो काफ़ी जिद भी की थी। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो बचाना चाहती थी मेरे जितने भी अच्छे अच्छे सामान है उनको अपने पास रख के। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग सी सेज, अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ के चले गए तो यहीं पे छोड़ के चलेंगे तो ये सब सामान बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मेरी मम्मी बोलती है, नरेटर की मम्मी। उनका नाम क्या है, मिसिस एस। हैव यू अग्रीड विथ हर डैट सी शुड कीप एवरी थिंग आई आस्क्ड, तो नरेटर पूछती है कि आपने क्या मान लिया कि ये सब सामान वो खुद रख लेंगी, अब उनका हो जाएगा ये सब सामान। एज इट दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, तो मेरी मम्मी थोड़ा चिढ़ा के बोलती है कि क्या ये ज़रूरी है पूछना उनसे कि ये सब सामान वो रख लेंगी, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ये काफ़ी इंसल्टिंग होगा कि मैं उसे ये बात पूछूं कि क्या ये सब सामान आप रख लीजिएगा, मतलब ये तो ऑब्वियस है कि जरूर वो सामान लौटा देगी बाद में जाके। एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी इज़ रनिंग, और ये मत भूलो कि वो कितना रिस्क ले रही है हमारे कारण। ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ द डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, हर बार जब वो घर से बाहर जाती है तो एक पूरा भर्ती सूटकेस या फिर बैग लेके बाहर जाती है, और कितना रिस्की होता है उसके लिए ये सब, ऐसा मम्मी बोलती है नरेटर को। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, तो मेरी मम्मी मेरे चेहरे को देखती है और मेरे चेहरे को देखकर उन्हें पता चलता है कि मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई उनके जवाब से। सी लुक डैट मी रिप्रूविंगली, तो उसके कारण से वो मुझे काफ़ी गुस्से से देखती है। एंड आफ्टर डैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद से हमने इसके बारे में कुछ भी बात नहीं किया। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. और ऐसा लेखिका सोचते सोचते कहाँ तक पहुँच गई हैं, आपको पता है वो स्टेशन की तरफ जा रही थी, स्टेशन पहुँच गई और रास्ते में उन्हें कुछ भी दिखा तो उस पर ज़्यादा अटेंशन वो नहीं पे की थी, ध्यान नहीं दी रास्ते पर क्या चीज़ दिखा उन्हें। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, तो युद्ध के बाद पहली बार वो अपने जाने पहचाने जगहों से होके गुजर रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन मुझे जितना काम था मतलब जहाँ तक स्टेशन तक ही काम था वहीं तक वो ले गई, उसके आगे और कहीं नहीं गई। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम, मैं अपने आप को अपसेट दुखी नहीं करना चाहती थी
उन सब रास्तों और उन सब घरों को देखकर जिनसे मेरी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं और काफ़ी प्रीशियस टाइम मैंने वहाँ पर बिताया है। इन द ट्रेन, और लेखिका जाकर अब ट्रेन में बैठ जाती है। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसिज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन। तो लेखिका के सामने फिर से मिसिज डॉर्लिंग दिखाई पड़ती है, मतलब फिर से वो उनके बारे में सोचती है, उनके दिमाग में मिसिज डॉर्लिंग फिर से उनका चेहरा आता है। ट्रेन में बैठ के अब सोच रही है कि एज आई हैड फर्स्ट टाइम आई मेट हर, तो जैसा मैंने पहली बार मिला था वैसा ही चेहरा फिर से उनके दिमाग में आता है। इट वॉज द मॉर्निंग, एक बार वो सुबह का दिन होता है, लेखिका सोच रही है ये कि सुबह का टाइम होता है, आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जिस दिन लेखिका की मम्मी ने उन्हें बताया था मिसिज डॉर्लिंग के बारे में, उसके बाद वाला दिन में का सुबह का टाइम है ये। आई हैड गॉट अप लेट, मैं काफ़ी लेट उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और जब मैं सीढ़ी से उतर रही थी, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी मम्मी किसी को बाहर छोड़ने जा रही है। अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक औरत थी जिनका कमर जो था, पीठ जो था, वो काफ़ी चौड़ा था, मतलब वो कौन थी, मिसिज डॉर्लिंग ही थी जिसका ब्रॉड बैक था। देयर इज़ माई डॉटर, सेड माई मदर, सी बेकॉन टू मी, तो मेरी मम्मी मिसिस एस वो क्या करती है, मेरी तरफ इशारा करके बताती है कि वो देखो वो रही मेरी बेटी। द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस, तो वुमेन बोलती है हाँ ठीक है, सीढ़ी लाती है वो, एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और कोट रैक से वो अपना सूटकेस उठा लेती है। कोट रैक क्या होता है, एक स्टैंड होता है जिसमें हुक्स लगा होता है और उस हुक्स में सूटकेस को टांग के रखते हैं, तो वहाँ से वो अपना सूटकेस उठाती है। और सी वोर अ ब्राउन कोट, वो ब्राउन कोट पहनी हुई थी, एंड अ शेपलेस हैट, और एक हैट पहनी हुई थी जिसका कोई शेप नहीं था, शेपलेस था। डज सी लिव फार अवे आई आस्क, तो नरेटर पूछती है कि क्या ये काफ़ी दूर रहती है क्या। सीइंग द डिफ़िकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, लेखिका देखती है कि वो काफ़ी भारी भारी केस सूटकेस उठा के जा रही है, तो पूछती है कि क्या वो बहुत दूर रहती है क्या। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर डैट, तो ये रहा आपका कंप्लीट एड्रेस, इसको आपको काफ़ी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो एड्रेस क्या है, नंबर 46 नंबर हाउस है वो, और मार्कोनी स्ट्रीट में उनका घर है। तो लेखिका की माँ उनको बताती है, बोलती है कि वो याद रखना, आई हैड रिमेंबर्ड इट, तो नरेटर ने इसको याद भी रखा हुआ है। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन नरेटर को बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ा वापस यहाँ पर लौट के आने के लिए। यहाँ पर कहाँ पर ये लोग अभी कहाँ पर है, हॉलैंड में वापस लौट के आई हुई है। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, तो आज़ादी के बाद, मतलब युद्ध समाप्त होने के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, मुझे एकदम ही दिलचस्पी नहीं था उन सब सामानों में जो मेरी मम्मी की थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक बात है कि मैं काफ़ी डर भी रही थी इन सब सामानों से। अफ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, डर किस बात का था, मुझे डर लग रहा था कि कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, क्योंकि ये सब सामान उस व्यक्ति से बिलोंग कर रहा था, उस रिलेशन को बता रहा था, जो रिलेशन अभी, जो कनेक्शन अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब हो सकता है उनकी माँ मर गई हो और उसी की वजह से सोचती है कि वो दुख में नहीं जाना चाहती है फिर से, इसलिए वो अफ्रेड है कि सामान को फिर से वो देखना नहीं चाहती है। विच वर हिडन अवे इन कबोर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, और ये सब सामान क्या है, अभी हिडन है, छिपी हुई है कबोर्ड्स में और बॉक्सेस में, और ये सब सामान वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, वो भी व्यर्थ में फालतू इंतजार कर रही है कि वो लोग फिर से दे वर पुट बैक इन द प्लेस अगेन, फिर से अपने वापस उसी पुराने जगह पर रखे जाएं, वो सब सामान इंतजार कर रही है। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, और ये सब सब सामान है, ये सब सामान ये इतने साल को बर्दाश्त कर लिए हैं, बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि ये लोग सामान है, मतलब इंसान तो उनकी जो मम्मी है वो तो जिंदा नहीं रही, लेकिन ये सामान जो है वो इंतजार कर लिया, लेकिन मेरी मम्मी इंतजार नहीं कर पाई। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन फिर धीरे धीरे युद्ध के बाद सब चीज़ नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड जो था वो लाइटर कलर का हो रहा था, इसका मतलब जो पहले जो ब्रेड होता था वो कोर्स, मतलब काफ़ी रफ होता था, ब्राउन कलर का होता था, वो अब धीरे धीरे अच्छा क्वालिटी का जो कि होता है वाइटर कलर का वो उन्हें मिलने लगा, मतलब वही बोला गया कि ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, लाइट कलर का, वाइट कलर का जो ब्रेड होता है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होता है, सॉफ्ट होता है, और जो ब्राउन कलर का होता है वो थोड़ा रफ होता है, कोर्स होता है, तो ब्रेड अच्छा मिलने लगा। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, और एक ऐसा बिस्तर था जहाँ पर बिना डर के सो सकते थे। अ रूम विथ अ व्यू यू आर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, और एक ऐसा रूम भी था जहाँ पर काफ़ी अच्छा सौंदर्य देखने को मिलता था, व्यू देखने को मिलता था। एंड वन डे और आई नोटिस्ड, और एक दिन क्या हुआ कि मुझे पता चला कि आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशंस डेट आई मस्ट That must still be at that address.
एक दिन क्या होता है कि नरेटर को याद आता है कि उनको क्यूरियोसिटी होता है, बेचैनी सी होता है कि वो सब सामान क्यों ना वो एड्रेस में पड़ा होगा तो क्यों ना हम लेके आ जाए। आई वॉन्टेड टू सी देम टच एंड रिमेंबर, उनका मन किया कि उन सामान को एक बार देखे छुए और उनको याद करे। तो इसीलिए वो नरेटर अब क्या की यहाँ पे आ गई है सामान को लेने के लिए। एड्रेस क्या है? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, हॉलैंड में है। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। तो लिखी नरेटर का तो फर्स्ट विजिट था वो तो फेल हो गया था, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो नरेटर अभी ट्रेन में बैठी हुई और सोचती है कि चलो एक बार फिर से ट्राई करके आते हैं। तो वापस ट्रेन से उतरती है और घर पे जाती है उनका। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर। अब की बार क्या होता है कि एक लड़की जो कि 15 साल की होती है वो दरवाज़ा खोलती है। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, और मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपकी मम्मी घर पे है। नो सी सेड माई मदर इज डूइंग एन इरांड, लेकिन नहीं मेरी मम्मी थोड़ा बाहर गई है, इरांड मतलब शॉर्ट ट्रिप, कहीं काम से थोड़ी बाहर गई है। वो बोलती है वो जो लड़की है 15 साल की वो मिसेज डॉर्लिंग की बेटी है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर, तो नरेटर बोलते हैं कि कोई बात नहीं मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लेती हूँ। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, तो नरेटर वो लड़की के पीछे पीछे जाती है और रास्ते से गुजर के एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, तो वो देखती है कि ये काफ़ी पुराने ज़माने का आयरन कैंडल होल्डर था, हनुक्का कैंडल होल्डर वो टंगा हुआ था ठीक मिरर के साइड में। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कंबरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, तो वो जो कैंडल होल्डर था वो नरेटर का था असली में, और नरेटर बता रही है हमें कि उन्होंने उनकी फैमिली जो थी उन्होंने इस कैंडल होल्डर को कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी कंबरसम था, हैंडल करने में काफ़ी मुश्किल आता था उसको, देन अ सिंगल कैंडल स्टिक कंपेयर टू कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक काफ़ी आराम था यूज़ करने में तो इसलिए लोग कैंडल स्टिक यूज़ करते थे बजाय हनुक्का कैंडल होल्डर के। वॉन्ट यू सीट डाउन आस्क द गर्ल, तो वो लड़की पूछती है जो 15 साल की है, वो बोलती है कि आप बैठेंगी नहीं। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम का दरवाज़ा खोलती है और बोली कि आइए आप अंदर बैठिए। आई वेंट इन साइड पास्ट हर, मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरीफाइड, तो लिखिएगा जब लिविंग रूम के अंदर जाती है तो उन्हें काफ़ी वो रुक जाती है और काफ़ी डर सी जाती है, उनको डर लगता है। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक ऐसी रूम में थी जिसे मैं जानती भी थी और जिसे नहीं भी जानती थी। जानती कैसे थी? क्योंकि वहाँ पर जितने भी सामान था वो सब उन्हीं का था तो उस हिसाब से वो जानती थी, और नहीं जानती थी क्योंकि वो जिस सराउंडिंग में रखा गया था, जिस रूम में रखा गया था, वो रूम उनका नहीं था, वो रूम तो मिसेस डॉर्लिंग का था, तो इसलिए बोला गया कि उस रूम को नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, तो वही बताया जा रहा है कि मैं अपने आप को उन सब सामानों के बीच में पाई जिसे मैं देखना चाहती थी, लेकिन उनका जो स्ट्रेंज एटमोसफियर था, आसपास का जो एटमोसफियर था, वो मुझे काफ़ी बेचैन कर रहा था, दुख दे रहा था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, या फिर हो सकता है मैं डर गई इसलिए भी क्योंकि काफ़ी बेकार तरीके से वो लोग सजा के रखे थे उस रूम को। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, फर्नीचर काफ़ी अगली था वहाँ पर और मगी स्मेल, मगी मतलब वही फिर से मस्ती स्मेल, जब रूम डैम्प हो और वहाँ पे फ्रेश एयर ना आए तो जैसे गंद आता है वैसा गंद आ रहा था फिर से, तो उस गंद के कारण लेखिका को कुछ ठीक नहीं लगा उस रूम में। आई डोंट नो बट आई स्केचली डेयर टू लुक अराउंड मी, तो लिखा बोले मुझे पता नहीं क्या रीज़न था कि मुझे क्यों डर लग रहा था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं रूम के चारों तरफ देखूं क्योंकि उनकी सब पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, तो वो लड़की जो 15 साल की है वो एक चेयर ला के देती है। आई सेट डाउन, नरेटर उस पर बैठती है एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लोथ, और देखती है कि वो वूल का जो टेबल क्लोथ है उस पर नज़र पड़ता है इनका। आई रब्ड इट, तो लेखिका अपना जो हाथ है उस पर रब करती है। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, तो लेखिका जो फिंगर्स है वो गर्म हो जाता है रब करने की वजह से, फ्रिक्शन का वजह से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, तो फिर लेखिका क्या करती है उनका जो वो टेबल क्लोथ जो था उसका साइड साइड में जो पैटर्न बना हुआ है वो पैटर्न को वो फॉलो करती है, उसमें अपना उंगली चलाई जा रही है। समवेयर ऑन द एज देयर मस्ट बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, तो नरेटर को पुराना याद है और वो बोलती है कि कहीं ना कहीं इस डिज़ाइन में किनारे पर कहीं ना कहीं एक जलने का मार्क होगा जिससे रिपेयर नहीं किया गया होगा, तो लिखिएगा वो अभी भी सारा बात याद है। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की बोलती है कि मेरी माँ तुरंत आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय बनाया है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी एक कप पियेंगी? थैंक यू, नरेटर बोलती है कि थैंक यू। आई लुकड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल।
नाइटर जो है वो ऊपर देखती है और देखती है कि वो जो लड़की है वो कप्स जो है वो सजा रही है टी टेबल पर। सी हैड अ ब्रॉड बैक, तो उसका भी कमर और पीठ जो था वो काफ़ी चौड़ा था, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी मम्मी की तरह। और मम्मी का नाम क्या है? मिसिज डार्लिंग। सी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक वाइट पॉट से वो चाय ढाल रही है। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, तो उस वाइट पॉट के जो ढक्कन जो था, लीड जो था, उस पर गोल्ड बॉर्डर लगा हुआ था। आई रिमेंबर, लिखिए को याद आता है वो बात। सी ओपनड अ बॉक्स एंड टूक सम स्पून्स आउट, तो और लड़की जो है वो क्या करती है, एक बॉक्स खोलती है और कुछ वहाँ से चम्मच निकालती है। डेट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, तो ये नरेटर जो है वो खुद ही बोलती है कि वो काफ़ी अच्छा बॉक्स है, जिस बॉक्स में क्या रखा हुआ था, स्पून्स रखा हुआ था। तो आई हर्ड माई ओन वॉइस, उन्हें अपना बात खुद ही सुनाई पड़ता है, मतलब उनको लगता है कि कोई और उनका आवाज़ उन्हीं को सुनाई दिया। इट वॉज़ अ स्ट्रेंज वॉइस, वो काफ़ी अजीब सा आवाज़ था उस रूम में, एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन हिज रूम, इन दिस रूम, ऐसा लग रहा था कि इस रूम में हर एक आवाज़ अलग है, दूसरे का आवाज़ लग रहा था। मतलब लेखिका तो खुद ही बोली है कि डेट्स अ नाइस बॉक्स, उनको लग रहा था कि कहीं और से आया वो आवाज़। ओ यू नो अबाउट देम, सी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, तो बोलते कि अच्छा तो तुम इसके बारे में जानती हो, तुम्हें यह बॉक्स के बारे में पता है। वो पीछे घूरती है और मेरे लिए चाय लेके आती है। सी लाफ्ड, और वो काफ़ी हंसती भी है। माई मदर सेज इट्स एंटीक, वो बोलती है कि उनकी मम्मी जो है, मतलब मिसिज डार्लिंग जो है, उनका कहना है कि ये काफ़ी एंटीक है, यूनिक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, बोलते कि हमारे पास ऐसा बहुत सारा चीज़ है इस बॉक्स के जैसा। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, और वो रूम के चारों तरफ उंगली दिखा के बताती है कि देखो वो, देखो ये सब, ये सब। सी फॉर योर सेल्फ, बोले कि आप खुद ही देखो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, तो नाइटर बोलते कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं था उसका हैंड को फॉलो करने का। आई न्यू ईच थिंग्स, मुझे तो हर एक चीज़ पता था कि किस में क्या खास बात है। सीमेंट, आई जस्ट लुक्ड एट द स्टील लाइफ ओवर द टी टेबल, तो नाइटर का नज़र सिर्फ किस पे था, उस टी टेबल पे जो सामान वामान पड़ा हुआ था, उसी पे नज़र था उनका। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, तो जब लेखिका एक बच्ची थी तब वो उनको हमेशा प्यूटर प्लेट पर एप्पल जो सजा हुआ मिलता था, उनको काफ़ी पसंद था उनको वैसे सजा हुआ एप्पल। वी यूज़ इट फॉर एवरी थिंग सी सेड, तो वो लड़की अभी भी बता रही है कि हम लोग हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेटर्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, मतलब बोल रही है कि वॉल की तरफ, वॉल में एक प्लेट टंगा हुआ है कुछ, तो वो बोलती है कि एक बार तो हमने उस प्लेट्स में खाना भी खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं उसमें बहुत चीज़ करना चाहती थी, बट इट वॉजेंट एनी थिंग स्पेशल, लेकिन उसमें कुछ खास उतना बात निकला नहीं। आई हैड फाउंड अ बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लोथ, तो नाइटर जो उंगली सहला रही थी उस टेबल क्लोथ के चारों तरफ से और बोली थी कि कहीं ना कहीं जलने का निशान होगा, तो उन्हें वो जलने का निशान मिल जाता है, बर्न मार्क मिल जाता है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, वो लड़की देखती है कुछ क्वेश्चन करने का भाव से उसको देखती है नाइटर को। यस आई सेड, तो नाइटर वह बोलते कि हाँ, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दोज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, हाँ जब आप अपने घर में रहते हो तो आपको इतना यूज टू हो जाते हो आप उस सामान से, इतना आदत लग जाता है आपका कि आप यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, कि आप उन पर देखना ही बंद कर देते हो। जब नॉर्मल जो घर का सामान होता है उसके हम लोग इतना यूज टू हो जाते हैं कि उस पर ठीक से देखते भी नहीं है। यू ओनली नोटिस वेन समथिंग इज मिसिंग, आप उस पर ध्यान तब देते हो जब वो सामान आपके पास ना रहे तो, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर, क्योंकि वो सामान कहाँ गया होता है, रिपेयर होने के लिए गया होता है, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या फिर आपने किसी को दिया हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए। तो नाइटर अपना खुद का एग्जाम्पल दे रही है, मतलब नाइटर को पता है कि वो क्या बोल रही है, लेकिन वो लड़की तो नहीं समझ पाई होगी कि वो क्या बोल रही है, कि नाइटर बोल रही है कि उन्होंने, उनकी मम्मी ने वो सब सामान इनको दिया था और तब इनको उस सामान को असली मिस कर रही है, वही बता रही है यहाँ पर। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, तो लेखिका को फिर से अपना ही आवाज़ फिर से सुनाई पड़ता है। एंड आई वेंट ऑन, और लेखिका फिर से बोलना चालू करती है। आई रिमेंबर माई मदर वॉन्स आस्क मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बोला था कि मैं उनकी मदद करूँ सिल्वर को पॉलिश करने में। इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी दिन पहले था वो। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड डैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और मैं उस दिन काफ़ी बोर भी हो रही थी, या फिर हो सकता है कि मुझे उस दिन घर में रहना पड़ा था, उसलिए मैं बोर हो रही थी। बिकॉज आई वॉज ईल, क्योंकि मैं बीमार थी। एस सी हैड नेवर आस्क मी बिफोर, तो बोल रही है कि मेरी मम्मी ने कभी मुझे सिल्वर को पॉलिश करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन आज बोला था। आई आस्क्ड हर विद सिल्वर सीमेंट, तो मैंने पूछा अपनी मम्मी से कि कौन सा सिल्वर को पॉलिश कर दूँ, आपको पता है सिल्वर का मतलब होता है चांदी। एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज, और मेरी मम्मी जो है वो रिप्लाई देती है काफ़ी सरप्राइज होकर कि
दैट इट वॉज द स्पून्स, कहते चम्मच को साफ करो, फॉर्क्स एंड नाइफ्स, काटेदार चम्मच और नाइफ, छुरी को साफ करो ऑफकोर्स, एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग। और ये काफ़ी अजीब बात था कि आई डिडेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, कि नटर को ये तक पता नहीं था कि वो कटलरी, ये जो चम्मच फॉक्स नाइफ्स जो है जिसे वो लोग रोज खाते थे वो सिल्वर का था, नटर को ये तक ये बात तक पता नहीं था। तो वही ये इंसिडेंट शेयर करती है उस 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल के साथ। द गर्ल लाफ्ड अगेन, तो वो लड़की फिर से हंस पड़ती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर, आई लुक इंटेंटली एट हर, तो लेखिका ये बात बोलती है कि मैं श्योर बोल सकती हूँ कि तुम्हें भी ये बात पता नहीं होगा कि तुम जिसमें खाना खाती हो वो सब सामान क्या चीज़ का होगा, सिल्वर का होगा, ये बात तुम्हें भी पता नहीं होगा। वॉट वी ईट विथ, सी आस्क, बोले क्या जिससे हम खाना खाते हैं वो चांदी का है, वेल डू यू नो, तुम्हें पता है क्या, सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई, मतलब उसको पता नहीं था कि वो जो उसका स्पून और फॉक सब चांदी का है। सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉवर, तो वो साइड बोर्ड की तरफ जाती है और ड्रॉवर खोलने की कोशिश करती है और बोलती है कि आई विल लुक इट इज हेयर इन, रुको मुझे देखने दो ये सब चांदी का है कि नहीं। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, तो नाइटर तुरंत उठ जाती है और बोलती है कि मैं समय भूल रही हूँ, आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे ट्रेन भी पकड़ना है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर, तो उस लड़की का हाथ ड्रॉवर में पहुंच चुका है और ड्रॉवर खोलने वाली है। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरी मम्मी के लिए इंतजार नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, तो नाइटर बोलते हैं कि नहीं मुझे जाना ही होगा। तो इतना बोलते बोलते नाइटर दरवाजे के पास पहुंच जाती है। द गर्ल पुल द ड्रॉवर ओपन, लड़की क्या करती है ड्रॉवर को खोल देती है। आई फाइंड माई ओन वे, और नाइटर निकल जाती है रूम से बाहर। आई वॉक डाउन द पैसेज, नाइटर वॉक कर रही है पैसेज की तरफ, उस गलियारी से वॉक किए जा रही है। आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पूंस एंड फॉक्स, और तब मुझे सुनाई पड़ता है जितने भी वो चम्मच और फॉक्स थे उनका गिरने का आवाज़, तो छन छन का आवाज़ आने लगता है। एट द कॉर्नर ऑफ, तो इतना करके नेटर निकल जाती है रूम से। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, और रास्ते पे जाके एक कोने से देखती है कि आई लुक्ड एट अप एट द नेम प्लेट, फिर से वो नेम प्लेट पे देखती है और उसमें लिखा होता है मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ है उस नेम प्लेट पे। आई हैड बीन एट नंबर 46, उसमें 46 लिखा हुआ है। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और ये एड्रेस 100% करेक्ट था, बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब उस एड्रेस को मुझे याद नहीं रखना है। आई वुडंट गो बैक देयर, मुझे मैं वहाँ पर वापस नहीं जाऊँगी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक टू योर मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, क्यों वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट्स है जो आपकी यादों के साथ जुड़ी हुई है, और वो यादें कब की हैं, आपके पहले के वक्त ही है। इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, तो वो सब जो यादें हैं, वो सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब अपना वैल्यू लूज कर देते हैं। सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, वो सब सामान जिससे क्या है यादें जुड़ी हुई है, वो सब सामान का क्या होता है वैल्यू लूज हो जाता है, कब, जब आप उसको किसी एक अजीब सराउंडिंग में बैठ के या फिर कोई और आपको उसको उसमें कुछ सर्व करे, तो उस सामान का वैल्यू चला जाता है। उम्मीद करता है इसको समझ पाएंगे कि मतलब वो जो लड़की पता था कि लड़की वो उन्हें उनके सामान उनके सब कर रही थी, तो ये बात बोल रही थी उनसे, इससे क्या हुआ कि वो तो सामान था, उसका ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, वैल्यू लूज हो गया। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन द स्मॉल रेंटेड रूम, और मैं उन सब सामान लेके भी क्या करती, क्योंकि मैं एक छोटे से भाड़े के रूम में रह रही थी, रेंटेड रूम था। वेयर द शर्ट्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, और उस रूम में रूम के खिड़की पर ब्लैक आउट पेपर के छोटे छोटे टुकड़े अभी भी टंगे हुए थे। ब्लैक आउट पेपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूज़ होता था, उस समय क्या करते थे कि ब्लैक पेपर खिड़की पर टांग देते थे, क्योंकि अंदर जब लाइट जलेगा तो बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा कि अंदर में कोई लोग है, तो इससे एनिमी से बचने के लिए ऐसा करते थे वो लोग। तो वो ब्लैक आउट पेपर अभी भी टंगे हुए थे खिड़की पे उनके रेंटेड रूम में। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉवर, और उनके जो टेबल का ड्रॉवर था उसमें एक मुट्ठी भर कटलरी, वो जो चम्मच छुरी फॉर्क ये सब रखा हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बोले कि वैसे रूम में इन सब सामान को लेके जाके भी क्या करेंगी वो। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, उन्होंने ठान लिया कि डिसाइड किया कि ये एड्रेस अब भूल जाना है। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, मुझे हर चीज़ भूल जाना है, दैट वुड बी द ईजिएस्ट, वो सबसे आसान तरीका होगा इन सब चीज़ें मुक्ति पाने का।